हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड फ्रेंड्स, यार बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग द सेम प्रॉब्लम एज आई मैंशनड ऑन द थंबनेल। आज जो मैंने आपको थंबनेल दिया है, उस पर बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स करते हैं, डीएम करते हैं ना, सो ऑन। तो मेन जो क्वेरी है, मेन कंसर्न है, वो ये रहता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं डेमो अकाउंट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम विन कर जाते हैं। जब हम ट्रेड लेते हैं रियल अकाउंट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हार जाते हैं। क्या यहाँ पे दोनों सिचुएशन में ग्राफ जो है वो सेम चलता है या नहीं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, आज पता लग जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं होता, माइनर सेकेंड्स के डिफरेंस से आप कभी कभी हार जाते हो, कभी कभी जीत जाते हो, बट सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। मतलब कि अगर आप ट्रेड लेते हो रियल अकाउंट से या अगर आप ट्रेड लेते हो डेमो अकाउंट में, तो रियल टाइम ग्राफ हमेशा एक जैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस उसमें आपको नहीं मिलेंगे। आज हम ट्रेड लेने वाले हैं बोथ दी अकाउंट से। जैसा कि आप लैपटॉप में मेरा इंटरफेस देख पा रहे हैं, वेब इंटरफेस, जहां पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉग इन कर रखा है, जहां पे लाइव अकाउंट का बैलेंस आप देख पा रहे हैं 8371 रुपये, माफी चाहूंगा, डॉलर्स। यहाँ पे मोबाइल आप देख पा रहे हैं, मोबाइल में अकाउंट लॉगिन है, ये भी मेरा ही अकाउंट है, यहाँ पे $6 है आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे $6 से अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम जाएंगे डेमो अकाउंट में। अब हम डेमो में है एंड देखिए, एक जो चीज़ है सबसे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे देखिए जो डैश है वो यहाँ पे सेलेक्टेड है अभी, ठीक है, क्योंकि आज संडे है तो मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पे डैश है 80% प्रॉफिट के साथ अवेलेबल है। और सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे, डैश मेरे मोबाइल में भी ओपन है 80% प्रॉफिट के साथ। तो चलिए, प्रॉफिट परसेंटेज का सिनेरियो समझ में आ गया है कि प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। अगर जितना प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिलता है, उतना ही प्रॉफिट जो है इसमें मिलेगा, इतना सिनेरियो सेम है। अब आते हैं सेकंड्स पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 44 सेकंड्स, और यहाँ पे मोबाइल में आपको दिख रहे होंगे 41 40, लगभग सेम सा सिनेरियो है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, मेरा लैपटॉप हल्का सा एक सेकंड पीछे चल रहा है मोबाइल के इंटरफेस से। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसका रीज़न है, अभी मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है लैपटॉप में वो थोड़ा सा स्लो है, और ये रीज़न बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ग्रीन कलर की कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी है। अब मैं मोबाइल में भी जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ग्रीन कलर की कैंडल कितनी बड़ी बनी है, ठीक है। तो सिनेरियो सेम ही है। चलिए, अभी ट्रेड लेंगे और ट्रेड लेके हमारी जो चीज़ें वो काफ़ी सॉर्ट आउट होने वाली है, एंड लेट्स सी। तो अभी मैंने जो सिचुएशन है, जो स्ट्रैटेजी है, वो सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रखी है, बॉलिंजर प्लस MACD। वीडियो अगर आपने नहीं चेक की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी है, वर्क कर रही है, मज़ा आ रहा है, लोगों को पैसे कमा रहे हैं, तो यार आप भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ है वो ये कि सबसे पहले हम वेट करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी के, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर। लेकिन यार एक चीज़ है, अभी जो हम ट्रेड लेंगे ना, वो लेने वाले हैं बेसिस पे, कि आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो बोथ ऑफ दी स्ट्रैटेजी अगर हम यूज़ करते हैं, हम लाइव अकाउंट से ट्रेड लेते हैं, डेमो अकाउंट से ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि मैं लाइव में क्यों जीतता हूँ, मैं उसमें क्यों हारता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती। तो अब $10 की मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, और यहाँ भी मैं $10 कर देता हूँ। मोबाइल में भी टाइमिंग हमारी रहेगी 1 मिनट, तो मैंने 1 मिनट सेलेक्ट कर दिया। हारे चाहे जीते, डजेंट मैटर। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं की है। अगर आप गौर से देखेंगे, स्ट्रैटेजी का मतलब कि अभी हम जो ट्रेड लेंगे वो अभी स्ट्रैटेजी हमारी इसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लेने के लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता। तो अभी हम ट्रेड लेंगे एंड लेट्स स्टार्टेड। इधर मैं लेने वाला हूँ लाइव अकाउंट से ट्रेड मेरे PC इंटरफेस में, एंड देन अदर साइड अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ डेमो अकाउंट में। एंड अभी सिनेरियो सारा समझ आ जाएगा, आप लोगों को डिफरेंस भी सारा समझ आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस हल्का सा एक सेकंड का फ़र्क पड़ सकता है, वो आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। अगर आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग है, तो वो एक सेकंड का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, तो अभी क्या लगता है, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी मैं जो ट्रेड है वो प्लेस करूँगा, दोनों बटन्स मैं साथ में प्रेस करने वाला हूँ, लैपटॉप का एंड मोबाइल का, एंड लेट्स सी। तो मैंने दोनों बटन साथ में प्रेस कर दिए हैं, दोनों जगह ट्रेड प्लेस। एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा, मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा फास्ट है एंड लैपटॉप का इंटरफेस स्लो है, तो अभी शायद जल्दबाजी में मोबाइल के इंटरफेस में तो क्लिक हो गया, बट लैपटॉप के इंटरफेस पे क्लिक नहीं हुआ है।
तो देखते हैं, तो कोई बात नहीं, इस ट्रेड को भी भूल जाते, कोई बात नहीं, गई तो गई, यहाँ पे भी हम लॉस में भी हैं शायद, देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं दोबारा से ट्रेड लेने वाला हूँ और दोनों में मैं एक ही साथ क्लिक करने वाला हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी मैं अपवर्ड के लिए ट्रेड लूँगा एंड लेट्स सी, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों में एकदम साथ में ट्रेड ली है दिस टाइम फॉर श्योर, 1 सेकंड का भी डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारा है। एंड लेट्स सी तो क्या होता है, अभी हमने ट्रेड ली है, वो ली है अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारा लाइव अकाउंट का इन्वेस्टमेंट है $10 एंड अगर डेमो अकाउंट पे आते हैं तो उसका भी हमारा इन्वेस्टमेंट है $10। हालांकि जो इसे पहले ट्रेड ली थी लाइव डेमो अकाउंट में तो वो अभी लॉस में ही चल रही है, पर लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमारे पास 33 सेकेंड्स अवेलेबल है, 33 सेकेंड्स है थे तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और होप फॉर द बेस्ट। ओके तो अभी देखो दोनों कैंडल्स बिल्कुल इक्वल इक्वल चल रही है। चलो अभी प्रॉफिट में आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए मोबाइल में 16 सेकंड्स बाकी हैं, इधर 15 सेकंड बाकी हैं, जैसा कि मैंने कहा लैपटॉप जो है वो 1 सेकंड स्लो है, 1 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है लैपटॉप में, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जब मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ तो वो 1 सेकंड का डिफरेंस आ जा रहा है, रीज़न वही है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से और कुछ नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पे मैं मोबाइल में भी ये ट्रेड जो है वो विन कर गया हूँ एंड लैपटॉप में भी विन कर गया हूँ। अब देखते हैं सिनेरियो क्या है। देखिए हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड का, 1 सेकंड से भी कम टाइम का, माइनर सेकंड्स का डिफरेंस होगा, वही रीज़न मैंने आपको बताया, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कुछ इशू नहीं है। अगर मैं डेमो अकाउंट में विन करूँगा तो मैं लाइव अकाउंट में भी विन करूँगा, हमारा मोटिव ये है आज की वीडियो बनाने का। अगर मैं डेमो अकाउंट में हारता हूँ तो लाइव अकाउंट में भी हारूँगा। तो अभी एक दो ट्रेड और लेते हैं, तो लास्ट ट्रेड जो है हम जीत गए हैं, विन कर गए हैं एंड फॉर द नेक्स्ट ट्रेड लेट मी एनालाइज द मार्केट लिटिल बिट, हम एनालाइज करेंगे मार्केट को। अब मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, बोथ दी ट्रेड्स मैं प्लेस करूँगा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक ही साथ, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है, बोथ ट्रेड्स फॉर अपवर्ड डायरेक्शन एंड हमारा टाइमिंग जो है वो 1 मिनट, इन्वेस्टमेंट भी सेम है डेमो अकाउंट से भी और लाइव अकाउंट से भी। अब दिस टाइम हम डिफरेंस देखते हैं कितना है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 44 सेकेंड्स मोबाइल में भी एंड लैपटॉप में भी 44 सेकेंड्स, अब 40 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स इक्वली डिस्टी, लाइक 1 सेकंड का भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा है। और वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और सिर्फ, और कोई यहाँ पे नहीं है। आप लोग बहुत बार मुझसे कहते हो कि मैं लाइव अकाउंट में क्यों नहीं विन कर पाता और डेमो अकाउंट में क्यों विन कर लेता हूँ। यार ये जो चीज़ें ना वो सिर्फ आपके साइकोलॉजिकली, लाइक आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लाइव ट्रेड लाइव अकाउंट में ट्रेड लेते हैं ना तो हम एक एक ट्रेड ना फूक फूक के लेते हैं, हमें डर लगता है हारने का। और जब आप डेमो अकाउंट में ट्रेड लेते हो ना तो आपके अंदर ना वो प्रेशर नहीं होता, वो डर नहीं होता कि आप हार जाओगे ना, तो कोई बात नहीं यार, हारे तो हारे, वो लाइव अकाउंट का बैलेंस थोड़ी है, हार गए तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल इक्वल टाइम पे यहाँ पे ट्रेड जो है वो फिनिश हो गई है, $10 वी लॉस्ट हियर, हम यहाँ पे $10 जो है वो लॉस कर गए हैं। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होगी $20 की लाइव अकाउंट से भी, तो यहाँ पे मैंने $20 कर लिया है, डेमो में भी $20 कर लिया, क्योंकि यार लॉस में तो नहीं रहेंगे, इसको रिकवरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहाँ पे थे वो बात डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी ना जब आप लाइव अकाउंट से लेते हो चाहे डेमो अकाउंट से लो, बात ग्राफ एकदम सेम रहेगा, ग्राफ एकदम सेम चलेगा, लाइव में भी जीतोगे तो डेमो में भी जीतोगे, लेकिन जो फर्क पड़ जाता है ना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ द सिचुएशन इज, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अप डाउन करके आप पैसा कमा लोगे, यहाँ पे जो बात आती है ना वो प्रेशर हैंडल करने की आती है। मतलब अब देखिए, मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आप यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, बिल्कुल, तो ट्रेड ले रहे हो ना तो आप लाइव अकाउंट के प्रेशर को क्यों नहीं हैंडल कर पाते जबकि आप डेमो अकाउंट में प्रेशर को हैंडल कर पाते हो। ज़रा सा दिमाग पे जोर डालो और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो। मेरा हमेशा से एक ही टारगेट रहा है, ना कि आप लोगों को अनेबल करना कि आप खुद से ट्रेड ले सको, ना कि ये कि आप मेरे दिए सिग्नल्स पे ट्रेड लो, क्योंकि कब तक ऐसा होगा। आपको एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जब आप अपने दम पे चीज़ें करोगे सारी चीज़ें, और उसके लिए आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो प्रेशर हैंडल करना आ गया ना तो बहुत चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं आपके लाइफ में, डेफिनेटली बहुत चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। और अगर रिगार्डिंग दी ट्रेड्स, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट सिग्नल का वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा वेट। अगर हमें थोड़ा सा डायरेक्शन मिलता है किसी भी तरफ तो हम ट्रेड लेंगे। बाकी सिनेरियो जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो लोग कहते हैं लाइव में अलग चलता है, लाइव में मैं हार जाता हूँ,
डेमो में नहीं हारता, डेमो में विन कर जाता हूँ, ये लोग मुझे जानबूझ के हरा देते हैं लाइव में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी भ्रम है। अगर अंगूर नहीं मिलते ना तो अंगूर खट्टे हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं जीत रहे हो तो वो अप्लीकेशन वालों की गलती है, और अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो और विड्रॉ ले लेते हो प्रॉफिट करके तो भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ले पाते तो ये सारी अप्लीकेशंस ख़राब है। हाँ, मैं 100% इन अप्लीकेशंस को फेवर नहीं करता हूँ, 100% मैं इनको फेवर नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े विड्रॉज में, या फिर कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम करेक्ट हैं ना तो कोई भी प्रॉब्लम्स से डील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है अभी ट्रेड लेने की, कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाओगे और बड़ी ट्रेड्स कैसे ले पाओगे। और जब भी आप ट्रेड लो तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि रियल और डेमो में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों बिल्कुल ही सेम है। जैसा कि मैंने आपको अभी दो ट्रेड लेके दिखाया है, हालांकि इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी आपको एक साइड प्लेयर यानी जो साइड कैरेक्टर होता है उसकी तरह से परेशान कर सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। अब ये देखिए, तो यहाँ पे मैं जो है ट्रेड 1 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर सकता हूँ, होप कि हम विन करेंगे, क्योंकि देखिए कंडीशन हमें फेवर नहीं कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट लेट्स सी कि क्या हो सकता है। तो यार अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अभी जो होगा वो देखी जाएगी, बट एक ट्रेड ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड प्लेस करता हूँ मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में $20 की। $20 की सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे मोबाइल से भी प्लेस कर दी है, लैपटॉप से भी प्लेस कर दी है, एंड अब देखते हैं सिनेरियो क्या है। देखिए यार, हाँ मुझे लगता है फिर से लगभग 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 एक नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से भी कम का टाइम का डिफरेंस आ गया है। रीज़न बस वही, क्योंकि यार जब मैं प्लेस कर रहा हूँ ना तो बटन दबाने में टाइम लग जा रहा है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि बात करते करते ये सारी चीज़ें करना हल्का सा थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें करना बात करते करते, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे अभी देखिए हमारे पास इधर 20 सेकंड्स हैं और इधर भी 20 सेकंड्स हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हल्के से सेकंड्स का डिफरेंस है, वो एक तो मेरे क्लिक करने पे हो जाता है, और एक जो दूसरी चीज़ है वो ये कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। बाकी अगर हम यहाँ पे जीतेंगे तो वहाँ पे भी जीतेंगे, इस तरीके का कुछ सिनेरियो। देखो मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ मोबाइल इंटरफेस में, एंड यहाँ पे भी मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए हम विन कर गए हैं, मोबाइल में भी विन कर गए हैं एंड लैपटॉप में भी विन कर गए हैं। तो भैया मोबाइल में तो मेरा डेमो अकाउंट है, विन करना तो चलो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लाइव अकाउंट में मैं कैसे विन कर गया? अगर आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से, यानी बहुत सारे लोग हैं ये ऐसी कैलकुलेशंस भी रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, वीडियो में बस आज के लिए इतना ही कंटेंट था, एंड उम्मीद करूँगा आज के बाद अगर जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को ये डाउट नहीं रहेगा कि हम रियल अकाउंट में हार जाते हैं, डेमो अकाउंट में जीत जाते हैं, ये क्यों होता है, क्या ये एप्लीकेशन वाले हमारे साथ चीट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप सिंपल सी बात है यार, आप ये खुद चेक कर सकते हो, आप खुद क्यों नहीं चेक कर रहे? 2 मोबाइल लो, एक में रियल अकाउंट लो, एक में डेमो अकाउंट लो, एंड देन सिंपल, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आप खुद करके देखो। ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट फिर भी काफ़ी सारे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ही कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, चेंजेस होते हैं, हमें जानबूझ के हरा देते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग ही मुझे कहते हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, एंड चैनल पे बिल्कुल नए होना यार, बाइनरी और फॉरेक्स मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैसा कमाना चाहते हो, ट्रूथ जानना चाहते हो, सारी असलियत जानना चाहते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, तो यार चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टेलीग्राम पर ज्वाइन होना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत सी अपडेट्स आप वहाँ पर नहीं हो तो मिस करोगे। एंड यार सपोर्ट करते हैं ना भैया, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।